से सॉरी से सॉरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारा व्लॉग्स। मैम अपनी पोएम में मसरूफ हुई है। वैसे कोको मेलन लेना सही बच्चों को लगाया हुआ है। बस कोको मेलन की आवाज़ सुनिए, टीन डी नी नी, और बच्चे वहाँ से दौड़ते हुए आ जाएंगे। इनका यही काम है, ये देखें कितना पापा मैडम के टॉयस हर जगह होते हैं। सारा दिन हम बस ये समेटते रहेंगे और पापा मैडम इनको फैलाती रहेंगी। कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लो पापा के टॉयस नहीं होते? ऐसे जहाँ पे बच्चे होते हैं ये तो हाल होता ही है। बंदा पहले सोचता बेडरूम को ऐसे रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ टॉयज मिलते हैं आपको, टेम्पर मिलेंगे और बच्चों की चीजें मिलेंगी बस। ऐसे तो नहीं होता है। व्हाट आर यू ईटिंग लुबाबा? बनाना। व्हाट आर यू ईटिंग? से बनाना। अच्छा टेल मी व्हाट्स योर नेम। ओ माय गुडनेस, गुड जॉब लुबाबा। अब बंदा पूछे कि इस बेचारे का क्या कसूर था जो लो पापा ने इसका ये हल किया। इससे तो आप लोग मिले ही नहीं, ये हमारे घर का बहुत ही कोई ख़ास फर्द है। इस बेचारे की दो बीवियाँ थी लेकिन अब वो मी टू, ये उस इसकी दो बीवियाँ थी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई और ये बेचारा अकेला तन्हा है। जब मैं मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ इराक कर बुलाई थी तो उसके दो दिन बाद ही ये आया था कि मिट्टू बहुत प्यारा। चुकी है रात और हमें बनाना है अब रात का खाना। और ये देखिए ये जुगाड़ जो है ना, ये काम ये मेरे फराज, ओ मेरे शौहर, मेरे फराज उनका काम है। सो जी रात का खाना बनाना है और ऐसा मुझे थोड़ी सुस्ती सी हो रही है तो हम जो है ना सोच रहे हैं क्या बनाएं। तो मैं बनाने लगी हूँ टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत जल्दी बनती है। कि तो कभी आप लोगों को मेरी तरह सुस्ती चाहिए हो और आप लोगों को कुछ बनाना हो, समझ भी ना आ रहा हो कि क्या बनाएं, तो फटाफट जो है ना टमाटर की चटनी बना लेनी है। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक तो ये कि वो बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही मज़े की भी बनती है, तो जल्दी से बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये मेरी बेटी ने कुछ गिराया है। चटनी के लिए सबसे पहले मैंने प्याज कट किए, ये दो बड़े प्याज हैं, इनको आपने मीडियम साइज में कट करना है, ना तो ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटे। उसके बाद मैंने टमाटर थे, टमाटर तकरीबन मेरे 5 से 7 थे, नॉर्मल साइज़ के थे, इनको भी आपने बारीक नहीं नॉर्मल साइज़ में ही कट करना है। देन मैंने सब्ज़ मिर्च जो थी उसको ऐसे कट किया और नमक हसबे जायका आपने डालना है। वैसे मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। इसके बाद हल्दी भी मैंने 1.5 टीस्पून ली है। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये इराकी लाल मिर्च पाउडर है, बहुत तेज़ होते, इसलिए मैंने सिर्फ 1.5 टीस्पून लिया है। और ये है पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये है पिसा हुआ गर्म मसाला। इसके अलावा जो है हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और सफ़ेद ज़ीरा को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा जीरा डाल के, जीरा डाल लिया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद जब वो उनका कच्चापन खत्म हो गया है तो मैंने अब ऐड किया है 1 चम्मच गार्लिक और जिंजर पेस्ट। अदरक लहसुन को डालने के बाद ना एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जो कि मुझे बहुत पसंद है। प्याज हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए थे तो मैंने इसमें अब डालना है टमाटर। अच्छा जी टमाटर जो है पक चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, ठीक है, और अब इनकी अच्छे से जो है भुनाई करनी है हमें।
सो जी टमाटर की चटनी हमारी ऑलमोस्ट डन है, इसको आप सर्व कर सकते हैं वाइट राइस के साथ, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। देखिए मैं किचन में थी, अलवा मैडम यहाँ अपने कारनामे कर रही थी, सारा इन्होंने प्लास्टिक बैग का रोल खोल गया। लो बाबा व्हाट इज दिस, क्या किया आपने, ये इधर आए, से सॉरी। लो बाबा क्या कह रही है मामा, से सॉरी, आपने गलत काम किया है ना, नोजी पकड़ के सॉरी नहीं होता, से सॉरी। फराज आए, दिन हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने सोचा चलो बाबा की कुछ चीज़ें लेनी है तो वो लेने चलते हैं, और इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी, तो हम लोग गए थे हरम की साइड पे। यहाँ पे लो बाबा के लिए फराज को एक टॉय पसंद आ गया, तो फराज वो लेने लग गए, और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 12 बज रहे थे रात के, तो काफ़ी मार्केट भी बंद हो चुकी थी, और हमने भी बस ये टॉय लिया, लो बाबा की चीज़ें वगैरह ली और फिर वापस घर चले, क्योंकि वेदर भी काफ़ी ख़राब हो रहा था, तेज़ हवा वगैरह चल रही थी, बस ये लेके हम लोग जो थे घर वापसी भी गए। इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।